हेलो स्टूडेंट्स, लेट सी द क्वेश्चन। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72 इंटू 10^-8 ओम इंटू मीटर एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इज 8.5 × 10^28 पर मीटर क्यूब, फाइंड द मूवेबिलिटी। तो हमको गिवन क्या क्या है, फर्स्ट है रेजिस्टिविटी रो हमको कितनी गिवन है, 1.72 × 10^-8 ओम इंटू मीटर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन कितना गिवन है हमको, 8.5 × 10^28 पर मीटर क्यूब। अब मूवेबिलिटी का फॉर्मूला होता है मूवेबिलिटी म्यू, मूवेबिलिटी म्यू होता है 1/ρNe। तो यहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, 1y रो की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.72 × 10^-8 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 8.5 × 10^28 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.6 × 10^-19। तो इसको करेंगे 1y 1.72 × 8.5 × 1.6 × 10^ ये पावर कितनी बन जाएगी, 19। ये 28 पॉजिटिव है, ये 8 नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा 10, क्योंकि 19 + 8 = 27 होता है, ये प्लस के ये माइनस के 27 + 28, तो ये बन जाएगा 10। तो इसको हम कह सकते हैं 1/ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 23.39 इनटू ये 10 पहले से है, तो इसको कर सकते हैं 1/233.9 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4.25 × 10^-3 एंड मूवेबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू ओम। यूनिट यहाँ से देख सकते हैं, 1/ρNe की यूनिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/ρ की यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट मीटर होता है, तो पर यूनिट मीटर क्यूब इंटू ई क्या है चार्ज यानी कूलम, मीटर के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब 1/ ओम इंटू मीटर इंटू कूलम, इससे ये चला जाएगा, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर ओम इंटू कूलम, सॉरी पर ओम इंटू कूलम। तो ऑप्शन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।